तो ये आप ध्यान रखिएगा, थ्री रिंग वाला माइक अडॉप्टर में सपोर्ट नहीं करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मोटर ब्लॉगर हैं तो आपको एक बेस्ट माइक की जरूरत है, और मीडियम मोड आप यूज करते हैं तो मीडियम मोड में हर कोई माइक यूज नहीं होता है, ना ही कोई माइक सपोर्ट करता है। कौन सा माइक सपोर्ट करता है मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। और कौन सा इसमें माइक सपोर्ट करता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपके पास मीडियम मोड नहीं है, क्योंकि मीडियम मोड बहुत महंगा आता है, और GoPro में ये माइक अडॉप्टर के बिना आप मोटर ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि माइक में आपको अपना वॉइस कनेक्ट करने के लिए ये अडॉप्टर लेना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा GoPro Hero 7। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मोटर ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको एक एक्शन कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी, और ये है GoPro Hero 7। मैं ये वीडियो खासकर इसीलिए बना रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई माइक है तो कौन सा माइक इसमें सपोर्ट करता है, सब लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हर कोई माइक सपोर्ट नहीं करेगा। मैं 3-4 ऑनलाइन मंगा चुका हूँ इसका माइक, और जो माइक है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो माइक सपोर्ट नहीं कर रहा है की वजह से मैंने अपना अडॉप्टर भी कुछ हद तक ख़राब कर दिया था, बट फिर मैं फाइनली मार्केट गया हूँ, माइक मुझे मिल गया है, सपोर्ट भी कर रहा है। अब एक एक्शन कैमरा कैसे काम करता है और किस तरह से कौन सा माइक सपोर्ट करता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं ये बोया का माइक भी लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें मैं कौन सा माइक लगा सकता हूँ, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं और इसमें सपोर्ट नहीं करा है बहुत सारी चीज़ें। मैं 2-3 माइक ऑनलाइन मंगाए हैं मैंने, तो मैं 3 माइक मंगा चुका हूँ और तीनों में से कोई भी से इसमें सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि माइक अडॉप्टर में एक अलग सा माइक सपोर्ट करता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए अभी मैं अटैच करके दिखा देता हूँ, बाकी बाहर जाके मोटर ब्लॉकिंग का शॉट लेके आपको बताते हैं कि इसका साउंड कैसा आता है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें, तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, माइक अच्छा कंपनी का भी आता है, बट मैंने फ़िलहाल अपने बजट में ले रखा है, ये है 350 का माइक है ये। और इसमें क्या खासियत है मैं आपको बता देता हूँ, माइक तो सारे एक जैसे होता है, लेकिन खासियत क्या है, पिन में जो इसका जैक सपोर्ट करता है, जो वो अडॉप्टर का जो जैक सपोर्ट करता है, वो कौन सा माइक सपोर्ट करता है बता देता हूँ। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। मैंने ये अभी तक यूज़ नहीं किया है, जब मैंने लेने गया था इसे, मैंने तभी इसको सिर्फ चेक करा था, उसके बाद मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो इसको अडॉप्टर में लगा लेते हैं। इसकी खासियत क्या है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, ये भी माइक है, ये बोया का माइक है, और ये काफ़ी महंगा था, अराउंड 800 रुपीज़ का। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अच्छा माइक ले लेता हूँ, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैंने ले तो लिया है बट सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब इसमें खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये इसमें जो आप जैक दिख रहा है, इसमें 3 रिंग्स हैं। अगर आप पॉज करके देखो तो इसमें 3 रिंग है, 1, 2, 3। तो ये अडॉप्टर में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 3 रिंग वाला माइक अडॉप्टर में सपोर्ट नहीं करेगा। इसके लिए मैं अलग से जो माइक लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ, इसमें 2 हैं, 2 रिंग्स हैं, ये ब्लैक वाला जो आपको दिख रहे होंगे, तो ये रिंग इसमें सपोर्ट करेगा। तो मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया है, तो मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसे लगा लिया है, अटैच कर लिया है। अब मैं इसे डायरेक्टली GoPro में लगा लेता हूँ, यहाँ इसका जैक लगता है, तो ये मैंने यहाँ इसे अटैच कर लिया। बैटरी नहीं है इसके अंदर, मैं बैटरी डाल लेता हूँ। एक्चुअली कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, खासकर इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं, तो आप उसकी बैटरी वगैरह निकाल के रख लीजिए, क्योंकि क्या होता है बारिश के सीज़न में जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो नमी आ जाती है कोई भी चीज़ के अंदर। तो फ़िलहाल ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इसके लिए मैंने इसका बैटरी वगैरह अलग कर लिया है दोनों कैमरे का। तो अब मैं इसे अटैच करके आपको साउंड सुना, तो ये है GoPro का बैटरी, इसके अंदर डाल देता हूँ। ऑलराइट, तो ये हो गया फिक्स। अब इसका जैक कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप मोटर ब्लॉगिंग करते हो तो बेस्ट आपके लिए ये है कि आपके पास एक माइक होना चाहिए जिससे आप अच्छी वॉइस दे पाओ। तो मेरे पास एक था, वो ऑटोमेटिकली एक्चुअली क्या है, लोकल था, तो वो ऑटोमेटिकली ख़राब हो गया, तो इसके लिए फिर से मेरे को दोबारा मार्केट जाना पड़ा और मैं ये लेके आया हूँ। और मैं इसे साउंड सुना देता हूँ आपको, तो
तो GoPro स्टार्ट हो गया, आप देख लीजिए, 1 2 3 1 2 3 माइक चेक, हेलो GoPro, 1 2 3 माइक चेक। तो मैंने इसको एक बार चेक कर लिया, तो साउंड मैं आपको सुनाता हूँ। स्टॉप, तो देख लीजिए जो मैं माइक अटैच किया है इसके साथ कौन सा सपोर्ट करता है वो मैं आपको चेक कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ खासकर। तो आइए अब इसको हम चेक करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए आपकी साउंड आ रहा होगा, अच्छा साउंड आ रहा है। अभी मैं GoPro में ही इसको आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, बाकी फिर आप वीडियो में देखिएगा। इसमें अब मोटर ब्लॉग करना है, हमको बाहर जाना पड़ेगा, एक शॉट लेना पड़ेगा कि ताकि इसकी आवाज़ कैसी आ रही है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया इसका साउंड। अब मैं इसको जो पुराना वाला मेरा माइक है मैं वो यूज़ करके बताता हूँ आपको। जो ये बोया का माइक है ये सपोर्ट नहीं करता है, आपको ये सामने प्रूफ होगा, ताकि आप ये 3 रिंग वाला ना ले, आपको जो लेना है वो 2 रिंग वाला माइक ले, ताकि ये जो एडाप्टर है ये इस पर सपोर्ट करे। तो चलिए हमने इसे कनेक्ट कर दिया है, अब इसमें माइक GoPro में अटैच करते हैं और अब इसका साउंड सुनेंगे। चलिए GoPro ऑन है, अब इसे स्टार्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। देख लीजिए GoPro स्टार्ट हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब इसमें साउंड आता है या नहीं वो चेक करता हूँ। हेलो 1 2 3 GoPro, कैन आई माइक टेस्ट, 1 2 3 GoPro चेक, 1 2 3 GoPro चेक, 1 माइक टेस्टिंग, 1 2 3 3 2 1 माइक टेस्टिंग। तो मैंने इसमें कम से कम 40 सेकंड का एक वीडियो शूट किया, बट इसमें अटैच में साउंड आता है या नहीं आता है मैं चेक करके बताऊंगा आपको। देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे है ये वाला वीडियो है, तो देख लीजिए दोस्तों। अभी मैं कुछ बोल रहा हूं बट इसमें साउंड नहीं आ रहा है, सिर्फ एक झंझनाहट की साउंड सुनाई दे रहा है सी टाइप का। तो कौन सा आपने माइक यूज़ करना है तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो आपको ये बेस्ट माइक है, लोकल है, बट इसमें कंपनी के भी आते हैं लेकिन वो 2-3 हज़ार रुपये के हैं, तो इतना महंगा लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको फिलहाल एक बजट के अंदर काम करना है तो ये बेस्ट माइक है, 350-350 रुपये आ जाता है। बार्गेनिंग के हिसाब से आप अपनी मार्केट में जाके कर सकते हो, आप देख भी लीजिए कि कौन सी कंपनी का है, लोकल भी है बट बनाती कौन सी कंपनी है ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं एक शॉट लेने बाहर और सुनाते हैं मोटर ब्लॉगिंग में आपको कैसा सपोर्ट करता है माइक और कैसे आवाज़ आती है और क्या क्वालिटी है। लेट्स गो। तो ये है मेरा हेलमेट जिससे मैं मोटर ब्लॉगिंग करता हूँ। एक्चुअली मैं जब राइड नहीं करता हूँ तो मैं ये वाला हेलमेट नहीं यूज़ करता हूँ, एक और है मेरा स्टूअर्ट्स का जिसका ये कवर है, मैं उसी के साथ यूज़ करता हूँ। तो फिलहाल मैं आपको इसकी सारी पैडिंग उतार के माइक सेट कर देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना रहे कि माइक कहाँ पे करना है। बाकी आपने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी कि आप किस तरह से माइक अटैच कर सकते हैं। तो ये है मेरा हेलमेट जो एक्सोर का है, अच्छी क्वालिटी है। तो देखिए मैंने एक अडोप्टर पहले भी मंगा रखा था, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये माइक ऑटोमेटिकली ख़राब हो गया था जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ये मैं पुराना मेरा माइक है बट ये अभी भी ऑटोमेटिकली ख़राब हो गया, क्योंकि लोकल क्वालिटी है तो इतना भरोसा नहीं कर सकते हम इस पर, आप ये मान के चलिए। मैं पहले भी जैसे आपको बताया कि मैं पहले यूज़ कर रहा था, मैं इसे पहले यूज़ कर रहा था, ये ऑटोमेटिकली ख़राब हो गया, बट ये कब ख़राब हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो शायद इसी कंपनी का होगा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये यूज़ कर रहा था और ये सडनली अभी मैं राजस्थान की राइड पर गया था तो वहाँ ये आवाज़ वॉइस कैप्चर करना ही बंद कर दिया इसने। तो एनी वे इसको हम उतार लेते हैं और अपना ये वाला माइक फिट करते हैं इसमें। इसके लिए हम इसको खोल लेते हैं, बड़ा इजी है वैसे, आप यहाँ से आराम से इसकी पैडिंग खोल सकते हैं।
ऑलराइट, तो इसकी फाइनली जो माइक मैं लेके आया हूँ उसकी मैंने अच्छी खासी एक पैकिंग कर दी है। और माइक मैंने कहाँ पे रखा है, आप माइक मुंह के सामने ना रखें ताकि आपकी सांस की आवाज़ उसमें रिफ्लेक्ट ना करे, तो उसको मैंने रखा है साइड में। आप भी हो सके तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ मेरे, तो इस साइड में मैंने रखा है जो माइक है इसका, वो यहाँ रखा है। अब ये कनेक्टर है थोड़ा बाहर और यहाँ हम इसे करेंगे अटैच। उसके बाद एक मोटर प्लगिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका साउंड कैसा आता है। होप सो साउंड अच्छा है, क्योंकि बहुत मेहनत करी है इस चीज़ के लिए, काफ़ी मार्केट ढूंढनी है तब जाके मिला है, बहुत रेयरली मिलता है ये माइक। तो फिलहाल हो गए ये रैपिंग।